हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस लिखा है, टेस्ट फॉर अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, निम्नलिखित श्रेणी के निरपेक्षता अभिसरण का परीक्षण कीजिए। निरपेक्षता अभिसरण मतलब ये जो सीरीज है ये अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट है या कंडीशनल कन्वर्जेंट है, ये हमें चेक करना है ना। हो सकता है सीरीज अब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट हो, यह हो सकता है सीरीज कंडीशनल कन्वर्जेंट हो, मतलब ये निरपेक्षता अभिसारी भी हो सकता है या सापेक्षता अभिसारी हो सकता है। हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। कुछ बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है ना। सिग्मा यू एन ये है यू वन माइनस यू टू प्लस यू थ्री माइनस यू फोर, ये कहलाता है अल्टरनेटिंग सीरीज। अल्टरनेटिंग सीरीज मतलब हिंदी में एकांतर श्रेणी। अल्टरनेटिंग सीरीज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस इस प्रकार से रखा है, इसको हम बोलते हैं एकांतर श्रेणी अल्टरनेटिंग सीरीज, है ना। ये सीरीज जो है कन्वर्जन भी हो सकता है, डाइवर्जन भी हो सकता है ना, या कन्वर्जन नहीं भी हो सकता है। इसके लिए इस सीरीज के कन्वर्जन के लिए हम करते हैं लेबनिस टेस्ट, जिसमें हम यू एन प्लस वन और यू एन के लू तो हमें मिल जाएगा क्वेश्चन से, यू एन प्लस वन निकालते हैं और दोनों में ये रिलेशन आना चाहिए, मतलब यू एन प्लस वन शुड बी लेस देन यू एन, मतलब यू एन प्लस वन की वैल्यू यू एन से छोटा होना चाहिए फॉर ऑल एन बिलोंग टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये पहला कंडीशन है। और दूसरा कंडीशन ये है कि अगर हम यू एन में लिमिट लगाएं तो आंसर आना चाहिए जीरो। अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं, पहला और दूसरा, तो ये जो सीरीज है ये कहलाएगा कन्वर्जेंट बाई लेबनिस टेस्ट। लेबनिस टेस्ट से यह जो श्रेणी है वह अभिसारी कहलाएगा, है ना, याद रखना। अब हमें क्या करना होगा, इसके मार्ट का सीरीज बनाना है, मतलब जितने भी निगेटिव टर्म है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। ये इस प्रकार से एक सीरीज बनाएंगे, ये जिसमें जहाँ माइनस दिख रहा है उसको प्लस करेंगे। अब अगर ये कन्वर्जेंट है तो ये कहलाएगा अब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, और अगर ये डाइवर्जेंट है ये कहलाएगा कंडीशनल कन्वर्जेंट, ठीक है। यदि ये अभिसारी है, ये श्रेणी अगर अभिसारी आता है तो ये कहलाएगा, ये वाला श्रेणी कहलाएगा निरपेक्षता अभिसारी, और यदि ये श्रेणी जो है अपसारी आता है, ये वाला श्रेणी अपसारी आता है तो ये कहलाएगा सापेक्षता अभिसारी। तो चलिए हमें अब्सोल्युटली कन्वर्जन को टेस्ट करना है। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन का सोल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन नंबर वन, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर वन। गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इस दिया गया एकांतर श्रेणी है, तो दिया गया एकांतर श्रेणी आएगा सिग्मा यू एन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एस क्यू बाय थ्री फैक्टोरियल माइनस एस की पावर फोर बाय फोर फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। ये हमारा दिया गया श्रेणी है, गिवन सीरीज है, ठीक है। सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा सिग्मा मॉड ऑफ यू एन। ये हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन मिल रहा है टेस्ट फॉर अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, अब्सोल्यूट कन्वर्जेंस के लिए हमें परीक्षण करना है ना। चलिए तो ये आ जाएगा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू प्लस एस क्यू बाय फैक्टोरियल थ्री प्लस एस की पावर फोर बाय फैक्टोरियल फोर प्लस एंड सो ऑन। बताइए क्या अंतर है इसमें और इसमें, देखो क्या अंतर नजर आ रहा है। यस, सारे पॉजिटिव हमने कर दिए है ना। तो यहाँ पर हेयर, अब यहाँ बताइए हेयर, यहाँ फर्स्ट टर्म हमारा कहलाएगा मॉड ऑफ यू एन, ये हमारा एक्स है। सेकंड टर्म कहलाएगा मॉड ऑफ यू, ये हमारा है एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू। मॉड इसे लगा रहे हैं क्योंकि ये मॉड ऑफ यू एन का सीरीज है ना। तो बताइए मॉड ऑफ यू थ्री क्या होगा, बोलो। ठीक है, बताओ मॉड ऑफ यू फोर क्या होगा, एस की पावर फोर बाय फैक्टोरियल फोर होगा। ओके बोलो, यस कि नो। तो बताओ मॉड ऑफ यू एन क्या होगा, चलो एस की पावर एन अपन फैक्टोरियल एन आएगा, एंड मॉड ऑफ यू एन प्लस वन, एस टू पावर एन प्लस वन अपन फैक्टोरियल एन प्लस वन। ओके एंड सो ऑन।
तो ये तो आपने निकाल लिया। मैंने आपको कहा है जब भी क्वेश्चन में एक से, ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज है, लेकिन ये तो अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं, ये तो केवल सीरीज है ना। और जब मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में एक्स दिखाई देता है कौन सा टेस्ट करते हैं, याद करो मैंने जब पेपर चैप्टर टू पढ़ाया होगा उस समय मैंने बताया था कि जब भी क्वेश्चन में एक्स दिखाई देता है कौन सा टेस्ट करते हैं, क्या बताया था? नहीं, रॉबी टेस्ट कहाँ से करेंगे बताइए। जब भी क्वेश्चन में एक्स रहता है हम कौन सा डीएलएमबर्ट टेस्ट करते हैं, डीएलएमबर्ट फेल हो जाएगा तब रॉबी और लॉगरिथम टेस्ट में जाते हैं। तुम लोग बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे, एकदम 0% हो। इतना वीडियो भी भेजता हूँ, कम तुम देख तो लिया करो भैया वीडियो में क्या बोला गया है। रॉबी टेस्ट कहाँ से कर लेंगे, रॉबी टेस्ट कब करेंगे, जब डीएलएमबर्ट फेल हो जाएगा तब करेंगे, पहले से रॉबी टेस्ट थोड़ी करते हैं। चलिए, तो आपको पता है जब भी क्वेश्चन में एक्स दिखाया जाता है कौन सा टेस्ट करते हैं, बोलो, डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट करते हैं। ठीक है, कौन सा टेस्ट करते हैं, डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट। अब आज का वीडियो, आज आज मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको मैं भेजूंगा, लेकिन देखोगे नहीं कभी, सुनोगे ही नहीं, तो कहाँ सीखोगे? जो मैं बोल रहा हूँ रिकॉर्ड हो जाता है, रिकॉर्ड होने के बाद मैंने उसको भेज देता हूँ वीडियो आप लोगों को, तो कम से कम देखो तो उस वीडियो को, देखोगे तभी तो सुनोगे ना। उसमें मैं बोल रहा हूँ, फिर से बोल रहा हूँ एक बार और बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन में एक्स रहता है हम डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट करते हैं, डीएलएमबर्ट अनुपात परीक्षण कहते हैं। ये रिकॉर्डिंग में रहेगा, सुनना कम से कम 10 बार उसको। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट करेंगे। तो हम निकाल देते हैं, देखो ना, हमें निकालना है यून प्लस वन अपान यून पहले निकालना होता है पहले, क्योंकि ये मार वाला सीरीज है, इसी कारण हमने मार लगाया। यू एन प्लस वन अपान यू एन निकालते हैं, यू एन प्लस वन है एस की पावर एन प्लस वन अपान फैक्टोरियल एन प्लस वन, और ये पलट जाएगा, है ना, ये हमारा यू एन प्लस वन है, ये हमारा यू एन है, ये आ जाएगा फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, एस की पावर एन नीचे आ जाएगा। ये आया समझ में कुछ? बोलो कौन सा टेस्ट कर रहे हैं बताओ, हम यू एन प्लस वन अपान यू एन निकाल रहे हैं, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं बताओ, डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट, कौन सा टेस्ट कर रहे हैं, यू एन प्लस वन अपन यू एन निकालते हैं, याद आ रहे हैं? चलिए, ये आ जाएगा एस, आ जाएगा एक एक्स कटेगा, और यहाँ फैक्टोरियल एन है, नीचे एन प्लस वन बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल एन बचेगा। आपको समझ में आया, एस की पावर एन प्लस वन, एस की पावर एन कटेगा तो एक्स आएगा, देखो, है ना। चलिए, तो हम यू एन प्लस वन अपन यू एन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये आएगा आपका एक्स अपान एन प्लस वन, फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा, है ना, इसमें एन प्लस वन बाहर किए तो फैक्टोरियल एन बचेगा, फैक्टोरियल एन कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू यू एन प्लस वन अपान यू एन। यहाँ पे मॉड लगाने का मतलब ये है, क्योंकि ये हमने जो सीरीज बनाया है ना, ये मॉड ऑफ यू एन का सीरीज है, इसी कारण से मॉड लगा सकते हैं। एक्चुअली में यू एन प्लस वन अपान यू एन ही लिखा है हमने, तो ये आ जाएगा लिमिट लगाएंगे, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू एक्स अपान एन प्लस वन, लिमिट लगाएंगे तो एक्स अपन इन्फिनिटी आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, है ना। तो बताओ इसका वैल्यू जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब इसका जो वैल्यू है जीरो आ रहा है, जीरो आ रहा है मतलब वन से छोटा आ रहा है, ठीक है। तो इसमें लिमिट लगा रहे हैं, इसका वैल्यू क्या आ रहा है, जीरो, जीरो मतलब वन से छोटा आ रहा है। जब इसका वैल्यू वन से छोटा है तो डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट से बताओ जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट होता है कि डाइवर्जेंट होता है, कन्वर्जेंट होता है ना। तो आपको लिखना पड़ेगा दस बाई डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट, द गिवन सीरीज सिग्मा मॉड ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। ये वर्डों में लिखना पड़ेगा, है ना, हिंदी में इस प्रकार से लिखोगे, अतः डीएलएमबर्ट अनुपात परीक्षण से दिया गया श्रेणी सिग्मा मॉड ऑफ यू, मॉड ऑफ यू एन वाला श्रेणी है ना, अभिसारी है। तो बताओ अगर ये श्रेणी अभिसारी है तो जो अल्टरनेटिंग सीरीज है उसके बारे में बताओ, वो ऑप्टिमली कन्वर्जेंट है कि कंडीशनल कन्वर्जेंट है? हाँ, यहाँ लिखना पड़ेगा क्लियरली द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट,
ये लिखना पड़ेगा वर्ड, ठीक है। तो गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज जो है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है, ठीक है। हिंदी में लिखोगे स्पष्ट है कि दिया गया एकांतर श्रेणी, दिया गया एकांतर श्रेणी, एकांतर श्रेणी निरपेक्षता विचारी, ठीक है। हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन बताया, हम आते हैं सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू आप देख लीजिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, वन माइनस एक्स स्क्वायर फैक्टर टू प्लस एक्स की बात फोर पे फैक्टर फोर, ये है ना। तो ये सेकंड क्वेश्चन हमारा, सबसे पहले लाइन में लिखोगे गिवेन अल्टरनेटिंग सीरीज इज, हिंदी में लिखोगे दिया गया एकांतर श्रेणी है, दिया गया एकांतर श्रेणी है। तो ये हमारा सिग्मा यूएन है, ये हमें दिया गया है वन माइनस एस स्क्वायर फैक्टर टू प्लस एस की पावर फोर बाई फैक्टर फोर माइनस एस की पावर सिक्स बाई फैक्टर सिक्स प्लस एन, ये हमारा गिवन सीरीज है, ठीक है। अब आपको निकालना है सिग्मा मॉड ऑफ यूएन, तो जितने भी निगेटिव टर्म है सबको पॉजिटिव कर दीजिए, है ना। तो वन प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टर टू प्लस एस की पावर फोर बाई फैक्टर फोर प्लस एस की पावर सिक्स बाई फैक्टर सिक्स प्लस एन, जितने भी निगेटिव टर्म उसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पर इसके कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट को टेस्ट करेंगे, कौन सा टेस्ट करेंगे बताओ। यहाँ एक्स है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं, याद रखना ये है अल्टरनेटिंग सीरीज, लेकिन ये अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है। इसके लिए तो लेबनिट टेस्ट होता है, लेकिन इसके लिए नहीं होगा, ये तो सिंपल सीरीज है ना, सब में पॉजिटिव, देखो यहाँ भी प्लस सब में प्लस है, तो ये अल्टरनेटिंग सीरीज नहीं है, याद रखना ये एकांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। ये केवल सीरीज है, श्रेणी है। तो इस सीरीज में एक्स आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा टेस्ट आप करना चाहोगे बोलो। डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करेंगे, जब मैंने कहा था जब भी क्वेश्चन में एक्स तरह दिखाई देता है डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके लिए कुछ वैल्यूज की हमें जरूरत पड़ेगी जो हम निकाल लेते हैं। यहाँ पर मॉड ऑफ यू एन, ये हमारा वन है, यू एन है ना, मॉड ऑफ यू एन वन है, मॉड ऑफ यू एन ये हमारा वन है। ये मॉड लगाने का उद्देश्य ये है मेरा, क्योंकि ये जो सीरीज है ये यू वन यू टू यू थ्री इसमें आएगा, इसमें मॉड ऑफ यू वन मॉड ऑफ यू टू मॉड ऑफ यू थ्री, मतलब मॉड ऑफ यू एन का सीरीज है ना, ये मॉड ऑफ यू एन वन है। बताओ मॉड ऑफ यू टू क्या है बोलो, एक्स स्क्वायर फैक्टर टू है, बताइए मॉड ऑफ यू थ्री क्या है थर्ड टर्म, चलिए एस की पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल फोर है, ओके। तो मॉड ऑफ यू फोर क्या है, एस की पावर सिक्स अपॉन क्या है फैक्टोरियल सिक्स है, ठीक है। इस प्रकार से चलते रहे, हमें चाहिए मॉड ऑफ यू एन की वैल्यू, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर एक्स की पावर जीरो है, मान लो वन है, मतलब एस की पावर जीरो अपॉन फैक्टोरियल जीरो है, यहाँ टू पावर है, यहाँ फोर पावर है, सिक्स पावर है, तो एस की पावर आ जाएगा टू एन माइनस टू अपान, यहाँ अपान में फैक्टोरियल जीरो है, वन है मतलब फैक्टोरियल जीरो है, यहाँ टू है, यहाँ फोर है, यहाँ सिक्स है, तो आ जाएगा फैक्टोरियल टू एन माइनस टू आ जाएगा, है ना। मैं आप लोगों को बताया था कैसे लाते हैं, बहुत सिंपल है, देखिए तरीका बहुत सिंपल है। देखो आपको ना टर्म्स को देखने, देखो यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एस की पावर जीरो है, फिर यहाँ एस की पावर टू है, यहाँ एस की पावर फोर है, तो जीरो के बाद टू आ गया, टू के बाद फोर आ गया, फोर के बाद सिक्स आ गया, तो आप देख रहे हो कि डिफरेंस जो है टू का है ना, जीरो के बाद टू आया, टू के बाद फोर आया, फोर के बाद सिक्स आया, तो यहाँ पर हमारा टू एन आएगा, टू एन इसलिए आएगा क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो टू है, इन दोनों का डिफरेंस जो है टू है, जैसे फोर माइनस टू करेंगे टू आएगा, सिक्स माइनस फोर करेंगे टू आएगा, तो डिफरेंस टू है इसी कारण टू एन आएगा, ये तो पता चल गया। अब हमें फर्स्ट टर्म जीरो चाहिए, फर्स्ट टर्म जीरो, यहाँ पे एन की जगह अगर वन रख दें तो जीरो नहीं आएगा, लेकिन अगर माइनस टू कर दें तब जीरो आ जाएगा, है ना। अब अगर एन की जगह वन रखते हैं तो टू माइनस टू जीरो हो जाएगा, एन की जगह टू रखते हैं तो फोर माइनस टू टू आ जाएगा, एन की जगह थ्री रखते हैं तो सिक्स माइनस टू फोर आ जाएगा, मतलब ये देखिए ये अलग टर्म मिलेगा, यू एन में वन मिल जाएगा, यहाँ एन को वन रख के देखो वन मिलेगा, है ना, इसमें एन की जगह वन रख के देखो ये वाला टर्म मिलेगा, एन की जगह टू रखेंगे ये वाला टर्म मिलेगा, है ना, टू रखेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर आएगा नेट एक्स फैक्टर टू,
ये आपको एनएच टर्म निकालने आता है आप लोगों को? बोलो, आ जाता है ना? चलिए अच्छी बात है। हाँ हाँ आप चाहो तो एक टर्म इग्नोर भी कर सकते हो, पहला टर्म है ना, फर्स्ट टर्म को इग्नोर करके भी आप बना सकते हो, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। उससे क्या होगा, एक टर्म इग्नोर करोगे ना तो जो यू एन प्लस वन बोलूँगा वो यू एन का वैल्यू रहेगा। अब यू एन प्लस वन क्या होगा, देखो यू एन प्लस वन एन की जगह एन प्लस वन रख दो, यहाँ भी एन की जगह एन प्लस वन रख दो, यहाँ भी एन की जगह एन प्लस वन, ये आ जाएगा एस की पावर टू एन अपॉन फैक्टोरियल टू एन आ जाएगा, ये है ना, ये हमारा यू एन। तो जब अभी एक टर्म इग्नोर कर दोगे, पहला टर्म को इग्नोर कर दोगे तो हमारा यू एन के वैल्यू वाला हो जाएगा, यू एन प्लस वन उसका आगे आएगा, तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप चाहो तो एक टर्म छोड़ भी सकते हो, या चाहो तो पूरा बना के आप एक यू एन और यू एन प्लस वन निकाल सकते हो, जी वो आपको सहूलियत होता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनेट हैं, अनंत पद हैं, तो एक टर्म छोड़ने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप पहले टर्म को छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, फिर आप एन एच टर्म निकालिए, या पहले टर्म को रखिए और एन एच टर्म निकालिए, तो दोनों तरीके से आप कर सकते हो। चलिए तो ये तो आपको समझ में आ गया यू एन और यू एन प्लस वन पे वैल्यू निकालना। अब हमें निकालना है नाउ, अब हमें यू एन प्लस वन और यू एन का रेशियो निकालना है, यू एन प्लस वन और यू एन का रेशियो। जब रेशियो निकालेंगे तो एस की पावर टू एन अपॉन फैक्टोरियल टू एन है एन टू, ए फैक्टोरियल टू एन माइनस टू ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा एस की पावर टू एन माइनस टू, ठीक है, इसको हमने प्लॉट दिया है तो अपान में है ना। चलिए तो यहाँ पर एक्स की पावर टू एन है, एस की पावर टू एन माइनस टू, ए कटेगा है ना, एस की पावर माइनस टू बचेगा बस। यहाँ पर देखो एस की पावर टू एन है, फैक्टोरियल है टू एन माइनस टू, नीचे आप देखिए, नीचे यहाँ पर टू एन बाहर कर देते हैं, टू एन माइनस वन भी बाहर कर दिए, अब फैक्टोरियल में क्या बचेगा बताओ, यहाँ टू एन बाहर कर दिए, टू एन माइनस वन भी बाहर कर दिए, तो फैक्टोरियल में क्या बचेगा? चलिए तो आप बोल रहे हैं फैक्टोरियल में बचेगा टू एन माइनस टू, ठीक है, और एस की पावर यहाँ पे है टू एन माइनस टू है ना, तो एक्स की पावर भी कटेगा, यहाँ ये भी कट जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल टू एन, ये तो कट जाएगा, कट जाएगा ना, तो ये आ जाएगा वन अपान टू एन, टू एन माइनस वन और एस की पावर माइनस टू, इतना ही बचेगा, बाकी सब कैंसिल हो जाएगा। देखो ये वाला टर्म इससे कैंसिल हो गया, एस की पावर टू एन, एस की पावर टू एन से कैंसिल हो गया, एस की पावर माइनस टू बचेगा और यहाँ टू एन बचेगा, ये बचेगा, मतलब ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपान टू एन, टू एन प्लस वन, ये समझ में आया क्या? देखो टू एन माइनस वन, सॉरी टू एन माइनस वन, लिमिट लगा देंगे बोथ साइड, ये तो हमने निकाल लिया है यू एन प्लस वन अपान यू एन की वैल्यू जी। अब हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू मॉड ऑफ यू एन प्लस वन अपान यू एन मॉड ऑफ यू एन, तो जब लिमिट लगाएंगे तो क्या होगा, देखो लिमिटेशन एन टेंडिंग टू एक्स स्क्वायर अपान टू एन, टू एन माइनस, तो जब लिमिट लगाएंगे तो नीचे एन की जो इन्फिनिटी रखेंगे नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब क्या वैल्यू आएगा बताइए, लिमिट लगाने के बाद जीरो आ जाएगा, तो लिमिटेशन एन टेन इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन प्लस वन अपान मॉड ऑफ यू एन, इसका जो वैल्यू है जीरो आएगा और जीरो वन से छोटा होता है ना, तो इसका वैल्यू वन से लेस देन आ रहा है। हम डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट करें, डैश बाई डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट लिखना पड़ेगा, कौन सा टेस्ट आपने किया है, डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बताइए डी एल एम्बर्ट रेशियो टेस्ट से हमारा जो सीरीज है वो क्या होगा, कन्वर्जन की डाइवर्जन, यस सिग्मा मॉड ऑफ यू एन वाला सीरीज है ना, ये मॉड ऑफ यू एन वाला सीरीज जो है ये कन्वर्जेंट है, हिंदी में लिखोगे अतः डी एल एम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी मॉड ऑफ यू एन, सिग्मा मॉड ऑफ यू एन अभिसारी है, बताइए ये सीरीज अभिसारी है तो जो गिवन सीरीज है, जो अल्टरनेटिव सीरीज जो दिया गया था क्वेश्चन में, वो क्या होगा बोलो, तो लिखना पड़ेगा हेंस द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, हिंदी में लिखोगे अतएव दिया गया एकांतर श्रेणी निरपेक्षता अभिसारी है, अतएव दिया गया एकांतर श्रेणी निरपेक्षता अभिसारी है, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, सोल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री, सबसे पहले आप लिखोगे गिवन अल्टरनेटिंग
सीरीज इस, हिंदी में कहोगे दिया गया एकांतर श्रेणी है, एकांतर श्रेणी है, दिया गया एकांतर श्रेणी है, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये हमारा गिवन सीरीज है, लिख देते हैं सिग्मा यू एन की वैल्यू है एक्स माइनस एस क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एस की पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव माइनस एस की पावर सेवन बाई फैक्टोरियल सेवन प्लस एन सेवन, ये हमारा दिया गया श्रेणी है। देयरफॉर इसलिए सिग्मा मॉड ऑफ यू एन, अब जितने भी निगेटिव टर्म पॉजिटिव कर दीजिए, एक्स प्लस एस क्यूब बाई फैक्टोरियल थ्री प्लस एस टू दी पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव प्लस एस टू दी पावर सेवन बाई फैक्टोरियल सेवन प्लस एन सेवन, जितने भी निगेटिव टर्म है उसने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ ये सीरीज है कि अल्टरनेटिंग सीरीज, ये वाला बताओ, इसके बारे में बताइए। ये सीरीज है, हिंदी में कहेंगे इसको श्रेणी, इसको एकांतर श्रेणी कहेंगे, इसको कहेंगे एकांतर श्रेणी लेकिन इसको केवल श्रेणी कहेंगे। अब ये श्रेणी है तो श्रेणी को टेस्ट करने के लिए हमने चैप्टर नंबर टू में बहुत सारे मेथड बताए, बताओ सोच के बताओ इसमें कौन सा टेस्ट करना पड़ेगा इसके कन्वर्जन के लिए। डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करेंगे, है ना। तो चलिए डी'एलेम्बर्ट रेशियो टेस्ट करने के लिए हमें कुछ वैल्यूज की जरूरत पड़ती है जो हम पहले से यहाँ निकाल लेंगे। सबसे पहले बताओ इसमें फर्स्ट टर्म जो है मॉड ऑफ यू वन, ये हमारा एक्स है, है ना, और सेकंड टर्म जो है मॉड ऑफ यू टू, ये हमारा एस क्यू बाई फैक्टोरियल थ्री है, ठीक है। फिर उसके बाद जो थर्ड टर्म है जिसको हम यू मॉड ऑफ यू थ्री बोलेंगे, ये हमारा एस की पावर फाइव बाई फैक्टोरियल फाइव है, ठीक है। यहाँ थ्री है तो यहाँ फाइव आ रहा है, देखना है, यहाँ टू है तो यहाँ थ्री आ रहा है। इस प्रकार से अगर हम मॉड ऑफ यू एन की बात करें तो ये आएगा एस की पावर टू एन माइनस, नहीं टू एन वन थ्री है, है ना, टू एन माइनस वन अपन फैक्टोरियल टू एन माइनस वन जी। ये हम कैसे पता चला मैं आपको बताया था, बहुत सिंपल है। अब फिर से देखिए, देखो यहाँ पर पावर में क्या है वन, वन के बाद थ्री आया, थ्री के बाद फाइव आया, फाइव के बाद सेवन आया, वन के बाद थ्री, थ्री के बाद फाइव, फाइव के बाद सेवन, मतलब दो का डिफरेंस है, टू एन तो आएगा ही पावर में। अब यहाँ माइनस होने से लेके क्योंकि पहला टर्म हमें वन चाहिए, यहाँ एन की जगह वन रखेंगे ना तो टू आ जाएगा, अगर ये माइनस वन नहीं करते तो टू आ जाएगा, लेकिन हमें वन चाहिए पहला टर्म, यहाँ एक्स में पावर वन है ना, तो पहला टर्म में एक्स में पावर वन चाहिए, तो एक्स में पावर वन तभी आएगा जब हम यहाँ टू एन माइनस वन लिखेंगे। तो टू एन इसलिए आया, सुन लो ध्यान से सुनो, ये टू एन इसलिए आया है क्योंकि इनका डिफरेंस टू का है, वन के बाद थ्री है, थ्री के बाद फाइव है, फाइव के बाद सेवन है, तो दो का डिफरेंस इसी कारण टू एन आएगा। अगर तीन का डिफरेंस है थ्री एन आ जाता, फोर का डिफरेंस है फोर एन आ जाता, है ना। मैं आपको एक बार और समझाता हूँ, मेरा कोशिश ये रहेगा कि तुम लोग समझ जाओ, ठीक है। देखो मैं ये बता रहा हूँ, जैसे मान लो वन के बाद फोर आ गया, फोर के बाद में सेवन आ गया, सेवन के बाद टेन आ गया, इस प्रकार से आ गया। तो आप देखो सबसे पहले तो आप इसका डिफरेंस देखो, वन के बाद फोर आया तो यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस थ्री का है, देखो थ्री का डिफरेंस है ना, मतलब यहाँ से यहाँ जाने के लिए थ्री ऐड करना पड़ेगा, वन में थ्री ऐड करेंगे तब फोर आएगा, फोर में थ्री ऐड करेंगे तब सेवन आएगा, सेवन में थ्री ऐड करेंगे तब टेन आएगा, थ्री का डिफरेंस है तो यहाँ थ्री एन आएगा, इतना डन है, थ्री एन इसलिए आया थ्री का डिफरेंस है। अब पहला टर्म है वन चाहिए, पहला टर्म वन चाहिए, लेकिन यहाँ तो वन आएगा नहीं, अगर एन की जगह वन रख दें, पहला टर्म के लिए हमें एन की जगह वन रखना पड़ेगा, तो एन की जगह जब वन रखेंगे तो हमें यहाँ थ्री मिल जाएगा, लेकिन हमें तो वन चाहिए, थ्री तो चाहिए नहीं, तो फिर क्या करें बताओ, हमें फर्स्ट टर्म वन चाहिए, यस माइनस टू करेंगे तभी यहाँ फर्स्ट टर्म वन आएगा, ये माइनस टू इसको पहला टर्म को देख करते हैं, फर्स्ट टर्म को देख के, ठीक है। अब जैसे वन थ्री फाइव सेवन है, बताओ इसमें डिफरेंस कितने का है, मतलब इस यहाँ का डिफरेंस कितने का है बताओ, टू का डिफरेंस है, देखो है ना, वन से थ्री है, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे टू आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे टू आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे टू आएगा, मतलब वन में टू प्लस करेंगे थ्री आएगा, थ्री में टू प्लस करेंगे फाइव आएगा, फाइव में टू प्लस करेंगे सेवन आएगा, तो टू एन तो आएगा, इतना तय है, ठीक है। अब पहला टर्म है वन चाहिए तो टू एन लिखेंगे कि कुछ और इसमें प्लस या माइनस करना पड़ेगा, बताओ, फर्स्ट माइनस करना पड़ेगा वन, ठीक है। मान लो ऐसा रहता थ्री फाइव सेवन नाइन इस प्रकार से रहता, एन टर्म क्या होगा सोचो और बताओ, इसका एनवा पक्ष क्या, यस टू एन प्लस वन होगा। इस प्रकार से एन एच टर्म निकालते हैं, एनवा पद हम निकाल लेते हैं, ठीक है, सीरीज को देखकर। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा यू एन कैसे निकाला हमने, ठीक है, यहाँ वन है, थ्री है, फाइव है, और नीचे भी फैक्टोरियल वन है, फिर फैक्टोरियल थ्री है, फैक्टोरियल फाइव है, तो नीचे भी सेम रहेगा, ठीक है।
अब बताओ, अब मुझे निकालना है यू एन प्लस वन, तो यू एन प्लस वन निकालूंगा तो एन की जगह एन प्लस वन रख दूंगा, यहाँ एस की पावर आ जाएगा टू एन प्लस वन और अपान में आ जाएगा फैक्टोरियल टू एन प्लस वन। ये समझ में आया आपको? देखो चलिए, इस प्रकार से हमने ये सब निकाल लिया। इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है क्योंकि डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट में यू एन प्लस वन और यू एन का रेशियो निकालना होता है, ठीक है। इसी का नाम ही उसका डीएलएम्बर रेशियो टेस्ट है। इसमें हम रेशियो निकालते हैं, किसका किसका रेशियो निकालते हैं, यू एन प्लस वन का और यू एन का, दोनों का रेशियो निकालते हैं जी। तो यू एन प्लस वन हमारा है एस की पावर टू एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल टू एन प्लस वन, ये हमारा यू एन प्लस वन है। और यू एन कह लो चूँकि यू एन अपान में है, इसको पलट दीजिए, मतलब फैक्टोरियल टू एन प्लस वन ऊपर जाएगा और नीचे एस की पावर टू एन माइनस वन है, ये ठीक है। ये हाँ फैक्टोरियल टू एन माइनस वन है, सॉरी फैक्टोरियल टू एन माइनस वन अपान ये, ठीक है। तो यहाँ पे एस की पावर है टू एन इन टू एक्स है, ठीक है, और इन टू है फैक्टोरियल टू एन माइनस वन। नीचे आप देखो, यहाँ टू एन प्लस वन बाहर निकाल दिए, टू एन भी बाहर निकाल दिए, तो बच जाएगा फैक्टर टू एन माइनस वन। यहाँ से हमने टू एन प्लस वन बाहर निकाल दिया, टू एन भी बाहर निकाल दिया, बच जाएगा फैक्टोरियल टू एन प्लस वन। और यहाँ पे आप देखो, एस की पावर टू एन भी है, एस की पावर माइनस वन भी है, यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एस की पावर टू एन है, एस की पावर माइनस वन है। चलिए है ना, यहाँ यहाँ लिख देता हूँ नीचे, एस की पावर टू एन है और एस की पावर माइनस वन भी है। चलिए अब जो जो आंसर हो सकता करेंगे, एस की पावर टू एन से कट जाएगा, फैक्टर टू एन माइनस वन फैक्टर टू एन माइनस वन से कट जाएगा, ऊपर में बचेगा एक्स, नीचे बचेगा टू एन प्लस वन टू एन और एस की पावर माइनस वन, इतना बचेगा। ये तो इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, इतना बचेगा, ये भी ऊपर चला जाएगा, ये बचेगा एक्स स्क्वायर अपान टू एन प्लस वन और इंटू टू एन। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? देखो ठीक है। चलिए तो हमने निकाल लिया है मॉड ऑफ यू एन प्लस वन अपान मॉड ऑफ यू एन का वैल्यू। अब हमें लिमिट लगाना है बोथ साइड, ठीक है। तो हम लिमिट ऑपरेट करते हैं, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू मॉड ऑफ यू एन प्लस वन अपान मॉड ऑफ यू एन, लिमिटेशन एन टेंडिंग टू वैल्यू एक्स स्क्वायर अपान टू एन प्लस वन इंटू टू एन, ये लिमिट ऑपरेट करते हैं। जब लिमिट ऑपरेट करेंगे तो नीचे एन को जब इन्फिनिटी रखेंगे, नीचे जी इन्फिनिटी आ जाएगा, तो इसका वैल्यू जीरो आएगा, जीरो मतलब वन से छोटा आ रहा है, इसका वैल्यू जीरो आ जाएगा क्योंकि एन को इन्फिनिटी रखेंगे। अब इसके वैल्यू वन से छोटा आ रहा है तो डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट से बताइए हमारा जो सीरीज है वो कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, लिखना पड़ेगा है ना, वर्डों में लिखना पड़ेगा है ना। दैट्स बाय डीएलएम्बर्ट, डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट द सीरीज सिग्मा मॉड ऑफ यू एन इज कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखोगे, अतः डीएलएम्बर्ट अनुपात परीक्षण से श्रेणी सिग्मा मॉड ऑफ यू एन अभिसारी है। ये तो आपने लिख लिया। अब मुझे बताओ जो अल्टरनेटिंग सीरीज जो दिया गया एकांतर श्रेणी है, गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज है, वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगा कि कंडीशनल कन्वर्जेंट, ये बताओ। तो लिखना पड़ेगा हेंस द गिवन अल्टरनेटिंग सीरीज, अल्टरनेटिंग सीरीज सिग्मा यू एन इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। हिंदी में लिखना पड़ेगा, अतः दिया गया एकांतर श्रेणी निरपेक्षतः अभिसारी